तुम आदम के बेटे हो, तुम आदम की संतान हो, तुम हव्वा के बेटे हो, तुम आशू के पुत्र हो, तुम शत्रुपा की संतान हो, तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। मुझे मीडिया वाले दिखाएं, आज जो कुत्तों की तरह डिबेट में भौंक रहे हैं वो मुझे बताएं, इतनी बड़ी इंसानियत किस धर्म के अंदर मौजूद है जो सारी दुनिया के इंसानों को एक बाप और एक माँ का संतान कह रहा हो, एक ही बाप और एक ही माँ की औलाद कह रहा हो, तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। इस्लाम हमें कहता है तुम किसी पर जुल्म न करो, किसी को मत सताओ, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम आदम के बेटे हो, तुम हव्वा की औलाद हो। वजअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितअरफू, हमने तुमको शोबों में कबीलों में इसलिए बांटा है, हमने तुम्हें शोबों में कबीलों में इसलिए रखा है, हमने तुम्हारी जातें बिरादरियां इसलिए बनाई हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, इसलिए नहीं बनाई कि खान ये कहे कि मैं सबसे अफजल, अंसारी कहे कि हमसे ऊंचा कोई नहीं, तुर्क कहे कि हम सबसे बड़े, पठान कहे कि हम तो असली इंसान है, ऐसे नहीं, तुम एक बाप के और एक माँ के बेटे हो, हमने कबीले बनाए हैं, बिरादरियां बनाई हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे को चिन सको, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में बड़ा वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता है। इस्लाम ये कहता है, हाँ हाँ सुनो, इस्लाम ये कहता है, गौर से सुनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम बाइक से जा रहे हो, मोटरसाइकिल का सफर कर रहे हो, फोर व्हीलर का सफर कर रहे हो, सवारी पे गुजर रहे हो, ऊंट पे जा रहे हो, घोड़े पर बैठे हो, किसी भी सवार सवारी कर रहे हो और तुम्हारी नजरों के सामने एक पत्थर पड़ा हुआ नजर आ जाए, सड़क पर रोड पर एक पत्थर पड़ा है, केले का छिलका पड़ा है, शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है, तुम्हारी नजर जब उस पत्थर के ऊपर पड़ जाए, ऐ मीडिया वालों लिखो, ये मानवता बताई है इस्लाम ने, ये इंसानियत सिखलाई है इस्लाम ने कि अपनी गाड़ी से उतरो, फोर व्हीलर से उतरो, मोटरसाइकिल से उतरो, घोड़े से उतरो, गधे से उतरो, सवारी से उतरो, ऊंट से उतरो, उस पत्थर को हटा दो, ये मत देखो कि ये हिंदुओं की बस्ती है, हिंदू गिरेगा पत्थर से टकराएगा, मेरा बाप का क्या जा रहा है, यहूदी की बस्ती है, यहूदी मरेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है, ईसाई की बस्ती है, ईसाई मरेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है। फरमाया इमातुल अज़ा अन तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना ईमान का एक हिस्सा है, ईमान का एक शोबा है, ईमान की एक ब्रांच है, अगर तुम मोमिन हो तो उस नुकसान देने वाली चीज को रास्ते से हटा दो। जो इस्लाम केले के छिलके पर पैर रखने से फिसल जाना तुम्हारा गवारा न कर रहा हो, हिंदू भाइयों, ईसाइयों, यहूदियों, गौर से सुनो, मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाएगी, इस जलसे से नहीं तो यूट्यूब चैनलों से पहुंच जाएगी। इस्लाम को यह भी गवारा नहीं कि कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई जैनी, कोई बुद्धिस्ट, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन केले के छिलके पर पैर रख के फिसल जाए, या कोई बच्चा या बूढ़ा फिसल जाए और गिर जाए और उसको चोट लग जाए। इस्लाम इतना भी गवारा नहीं करता कि किसी को चोट लग जाए, गिर जाए, वो तुम्हारा कत्ल होते हुए देखना कैसे गवारा कर लेगा, वो तुम्हें मरता हुआ देखना कैसे गवारा कर लेगा। इस्लाम की तालीम तो ये कहती है कि किसी के पैर केले के छिलके पर पड़े वो गिर जाए, इससे बेहतर है कि केले का छिलका हटा दो, पत्थर हटा दो, तकलीफ दे चीज हटा दो, ये इस्लाम कहता है। हाँ सुनो, इस्लाम की तालीम क्या है, गौर से सुनिए, रोजा जो हमारे यहां फर्ज है, फर्ज रोजा,
जो अभी गुजरे हैं एक हफ्ता पहले, ये रमजान का रोजा जो किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, हाँ किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। रुख्सती तो है लेकिन माफी नहीं है। अगर बीमार हो छोड़ दो, लेकिन बीमारी ठीक हो जाने के बाद छूटे हुए रोजे को पूरा करना है। सफर में हो छोड़ दो, बाद में पूरा करना है। ये रोजा इतना जबरदस्त फरीजा है कि रमजान के महीने में अगर औरतें पीरियड से हो जाएं, उनको महीना शुरू हो जाए, तो वो नमाज भी छोड़ेंगी और रोजा भी छोड़ेंगी। 5 दिन 6 दिन जितनी जिस औरत की आदत है, उतने दिन नमाज नहीं पढ़ेंगी, उतने दिन रोज़ा भी नहीं रखेंगी। लेकिन रोज़े का फरीज़ा इतना अहम है। इस्लाम ये कहता है कि जब ईद के बाद वो सही हो जाए, नहा लें, पाक हो जाए, तो छूटे हुए रोज़े तो वो पूरे करेंगी, लेकिन इन दिनों की छूटी हुई नमाजें वो पूरी नहीं करेंगी। नमाजें माफ़ हैं, यानी छूटी हुई नमाजें उन दिनों की, उन औरतों को पूरा करने का हुक्म नहीं दिया, वो उनके ऊपर से माफ़ कर दी गई हैं, लेकिन छूटे हुए रोज़ों को उनको हर हाल में पूरा करना होगा। जर्जी साहब रोजा रखते रखते बीमार हो गए, 2 रोजे छूट गए, सोचते थे कि ईद के बाद रख लेंगे, लेकिन 2 रोजे जर्जी साहब नहीं रख पाए। मुहर्रम का महीना, शव्वाल का महीना जाने से पहले पहले इंतकाल हो गया। जर्जी साहब के जो 2 रोजे छूट गए हैं, इनको पूरा रखना था, बीमारी की वजह से छूटे, इनको पूरा रखना था दूसरा साल रोजा आने से पहले पहले, लेकिन इंतकाल हो गया। तो ये मरने के बाद भी मेरे ऊपर से माफ नहीं है। अब ये छूटे हुए 2 रोजे मेरी औलाद पूरा करेगी, मेरी बीवी रखेगी, मेरी बहन रखेगी, मेरा बाप रखेगा, मेरे खून का कोई रिश्ता होगा वो रखेगा। गौर कीजिए, ये इतना जबरदस्त फरीजा है, ये रोजा जो किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। बहुत ज्यादा कोई बूढ़ा आदमी है जो रोजा ही नहीं रख सकता है, उसके ऊपर से भी माफ नहीं है। हाँ रोजा नहीं रखेगा, लेकिन हर एक दिन के रोजे के बदले में माले फिदिया देगा, एक मिस्कीन खाना खिलाएगा, एक फकीर को खाना खिलाएगा, पेट भर के उसको खाना खिलाना है। अब चाहे तो 30 दिन का इकट्ठा उसको दे दे, या 30 दिन अपने घर में बुलाकर खिलाए, या 30 दिन के खाने का राशन उस गरीब आदमी के घर में पहुंचा दे। लेकिन राशन पहुंचाने से पहले समझ लेना, सिर्फ चावल पहुंचाओगे तो नहीं चलेगा, राशन जब पहुंचाओगे तो 30 दिन का पूरा राशन पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ उसमें दाल भी शामिल है, चावल भी शामिल है, सब्जी भी शामिल है, यहाँ तक कि तेल और मिर्च मसाला, यहाँ तक कि नमक, यहाँ तक कि चूल्हे में जलने वाली लकड़ियाँ भी उसमें शामिल हैं। ये पूरा का पूरा खर्चा आपको 30 दिन के रोजों का उसको देना पड़ेगा। ये रोजा इतना बड़ा फरीजा है जो किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन इस्लाम ये कहता है, जर्जी साहब बीमार हैं, जर्जी साहब रोजे से हैं, जर्जी साहब के बगल में पड़ोस में राधे कृष्णा नाम का आदमी रहता है, उसका बेटा बीमार है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है, डॉक्टर ने कह दिया अर्जेंट 1 बॉटल खून की जरूरत है, 1 बॉटल ब्लड की जरूरत है, उसके ग्रुप का ब्लड चाहिए, उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है। जर्जी साहब का ब्लड ग्रुप वही है जो उस हिंदू लड़के का है। इस्लाम ये कहता है उसकी फौरन जान बचाने के लिए, जर्जी साहब आप फौरन हॉस्पिटल जाइए, 1 बॉटल ब्लड दीजिए और जल्दी से उसको चढ़वाइए और उसकी जान बचाइए। जर्जी साहब कहने लगे 1 बॉटल खून देंगे तो रोजा टूट जाएगा। इस्लाम ये कहता है कि यहां पर किसी की जान बचाने के लिए अपने रोजे को तोड़ दो। एक गैर मुस्लिम बच्चा है, इंसानियत का
तकाजा है, रोजा बाद में पूरा किया जा सकता है, लेकिन वक्त पर अगर ब्लड ना मिला तो उसकी जान चली जाएगी, उसको फौरन ब्लड दो। जर्जी साहब को अपना रोजा तोड़ना पड़ेगा और रोजा तोड़कर ब्लड देकर उसकी जान बचाना पड़ेगी। मीडिया वालों लिखो और बयान दो, इस्लाम ये शिक्षा देता है, इस्लाम ये तालीम देता है, तुम्हारी तरह नहीं कि राम का नाम बदनाम करो, पेड़ से बांध दो, जय श्री राम के नारे लगाओ, मस्जिदों से भी गुजरो तो राम का नाम लगाते हुए गुजरो, ये नारा लगाते हुए सुनो। अगर तुम्हारे अकीदे के मुताबिक रामचंद्र जी जीवित हैं, जिंदा हैं, तो यकीन मानो कि उनकी आत्मा अंदर से कितनी दुखी हो रही होगी, उनकी आत्मा अंदर से कितनी रो रही होगी कि मैंने तो अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को ऐसा राम धर्म बनाने के लिए नहीं कहा था, ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन आज ये कितने गिर चुके हैं कि अपने स्वार्थ के लिए हमको मस्जिदों के बाहर भी नीलाम कर रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, ये इस्लाम है जो हमें जोड़ता है, ये इस्लाम है जो हमें मानवता और इंसानियत से जोड़ता है, ये इस्लाम की शिक्षा है, इस्लाम की तालीम है, इस्लाम की दावत है। हम हैं कहाँ? हमें बहुत गौर करने की ज़रूरत है। ये इस्लाम ही है जो कहता है वल्लाहि ला यूमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। हजरत आयशा पूछती है कौन मोमिन नहीं, और अल्लाह के नबी कहते हैं वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। और पड़ोसी में हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई, पड़ोसी है चाहे वो जो भी हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर बड़े सहाबी गुजरे हैं, उनका पड़ोसी यहूदी था, उनके घर बच्चा पैदा हुआ, किसके? अब्दुल्लाह इब्ने उमर के घर में डिलीवरी हुई, विलादत हुई, बच्चा पैदा हुआ। सातवें दिन उन्होंने अपने बच्चे का अकीका किया, जब दो जानवर ले आए और घर में बांध दिया तो अपनी बीवी से कहा देखो बीवी, जब सातवें दिन ये बकरे दोनों ज़िबा होंगे और गोश्त पक जाएगा तो पड़ोसी को ज़रूर पहुँचा देना। पड़ोसी कौन था? यहूदी। ज़रा इस बात को सुनते रहिएगा, पड़ोसी कौन था? यहूदी। और अब्दुल्लाह इब्ने उमर क्या कह रहे हैं? पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। बीवी ने कहा ठीक है। जब अकीके में पाँच दिन रह गए तो कहा देखो, जब ये जानवर ज़िबा होंगे, गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को ज़रूर दे देना। बीवी ने कहा ठीक है। जब अकीके में दो दिन रह गया तो उन्होंने कहा देखो, अब दो दिन रह गए अकीके में, जब जानवर ज़िबा हो जाए और गोश्त पक जाए तो तुम पड़ोसी को ज़रूर पहुँचा देना। बीवी ने कहा ठीक है। आज अकीके का दिन आ गया, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने दोनों जानवरों पर छुरी चलाई और फरमाया बीवी जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। बीवी ने कहा ठीक है। अब खाल उतारने लगे, खाल उतर गई, गोश्त की बोटियां होने लगीं। कहा देखो बीवी, जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को ज़रूर पहुँचा देना। और जब गोश्त पकने लगा, हांडी पर रख दिया पकने के लिए, तो बार बार ढक्कन उतार कर देखने लगे। बीवी ने कहा क्या हुआ? का देख रहा हूँ। का क्यों? पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। कहाँ? मैं देख रहा हूँ कि कितना रह गया है। देखो जब पक जाए तो पड़ोसी को ज़रूर पहुँचा देना। अब बीवी को गुस्सा आ गया, सात दिन से इनकी टर 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 सुन रहे हैं। तो बीवी ने कहा अरे सुन लिया मैंने, सात दिन से आप चिल्लाते चले जा रहे हैं पड़ोसी को दे देना, पड़ोसी को दे देना। अरे मैं आपकी बीवी हूं, जिम्मेदारी समझती हूं, आपने कह दिया पकने तो दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगी, क्यों परेशान हैं आप? अब चुप हो गए, कहने लगे बीवी डांट क्यों रही हो? कहा बार बार कहते चले जा रहे हैं किसी बात को। अरे मैंने, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैं पहुंचा दूंगी, पकने तो दीजिए। कहा देखो मेरी बीवी, बात यह नहीं है, बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का खुतबा दिया था, मैं उस वक्त मस्जिद में मौजूद था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक बताना शुरू किए, ये हक, इसके बाद ये हक, इसके बाद ये हक।
आपने इतने हक बताए इतने हक बताए कि ऐसा लग रहा था कि कोई छूट ही नहीं गया, अब रह क्या गया है। अब ऐसा लग रहा था कि अब अल्लाह के नबी जो भी बोलेंगे कहीं ऐसा ना हो कि आगे ये बोल दें कि जिस मकान में तुम रहते हो उस मकान में भी पड़ोसी का इतना इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का। ऐसा लग रहा था, इतने हुकूक बताए कि मुझे डर लगने लगा कि हम जिस घर में रहते हैं उसमें भी कहीं पड़ोसी का हिस्सा ना बता दें कि इतना हिस्सा पड़ोसी का। तो मेरी बीवी पहुंचा देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आदमी मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। इस्लाम ये गवारा ही नहीं कर रहा है कि आपके पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन जैनी हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, अगर पड़ोसी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पता लगाएं कि उसके घर में क्या बना है क्या नहीं बना है। आप नहीं जा सकते, आपकी बीवी तो उसकी बीवी से मिलने जा सकती है, किसी तरीके से बहाने से पूछ ले कि तुम्हारे घर में क्या पका है। याद रखना, अगर आप घर में तहज्जुद पढ़ रहे हैं लेकिन आपका पड़ोसी भूखा है तो अल्लाह की कसम आपकी तहज्जुद आपके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि आप मोमिन ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन तो वो है जो जो पड़ोसी को भूखा ना सोने दे, और जिसका पड़ोसी भूखा सो गया तो आप मोमिन नहीं हैं। आप तहज्जुद पर तहज्जुद पढ़े जा रहे हैं, पड़ोसी का हक ही नहीं, उसको देख ही नहीं रहे। इसीलिए इस्लाम ने अपनी इनकम का एक हिस्सा फिक्स कर दिया है, ज़कात। ज़कात 85 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो आप पर ज़कात है, या 595 ग्राम सोना जिसको हमारे यहां बोला जाता है 52 तोले चांदी का वजन अरब के हिसाब से 595 ग्राम अगर चांदी है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। 595 ग्राम चांदी नहीं है लेकिन 595 ग्राम चांदी के बराबर आपके पास कीमत है, पैसा है, और आप उस पैसे के मालिक हैं, और उसके ऊपर एक साल गुजर चुकी है तो उसके ऊपर ज़कात है, 2.5% आपको देना पड़ेगी। ये एक सिस्टम बना दिया है 85 ग्राम। अब मान लीजिए 7.5 तोले सोना, यानी 85 ग्राम सोना। मान लीजिए कि जर्जीत साहब की बीवी गई और इस सोने का हार खरीद के लाई और उसने कहा 85 ग्राम यानी 7.5 तोले का मुझे हार दे दीजिए और पैसे दे के चली आई, लेकिन ये 85 ग्राम सोने का हार 21 कैरेट सोने का है। सोने में वो होता है ना 24 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है या 21 कैरेट का है, तो जिस सोने पर ज़कात है वो 24 कैरेट का सोना होना चाहिए, यानी प्योर 85 ग्राम सोना आपने ख़रीदा है और वो 24 कैरेट का है तो आपके ऊपर ज़कात है। आपने 85 ग्राम सोना ख़रीदा है लेकिन वो 21 कैरेट का है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं बनेगी, क्योंकि उसको जब आप वजन करेंगे और जब उसके अंदर जो और धातु मिली हुई है उसको आप निकाल देंगे तो उस सोने का वजन जो ओरिजिनल सोना है वो 72 ग्राम रह जाएगा, वो 72 ग्राम रह जाएगा, 85 ग्राम नहीं रहेगा, क्योंकि 21 कैरेट का अगर 85 ग्राम सोना है तो 24 कैरेट के हिसाब से वो 72 ग्राम सोना बनता है, तो 72 ग्राम सोने पर ज़कात ही नहीं है, ओरिजिनल सोना होना चाहिए आपके ऊपर, आपके पास 85 ग्राम। एक बात और याद रखिएगा, आप रमज़ान में ज़कात देते हैं ठीक है, बहुत से लोग अंग्रेज़ी हिसाब से ज़कात देते हैं, भाई कोई सर्विस करते हैं उनको तनख्वाह उनका साल भर का हिसाब मार्च में होता है तो वो मार्च ज़कात, ज़कात के लिए कोई रमज़ान का महीना शर्त थोड़ी है, साल में एक बार ज़कात फ़र्ज़ है। साल में एक बार जब ज़कात फ़र्ज़ है तो सुन लीजिए, साल में एक बार ज़कात फ़र्ज़ है वो अरबी महीने के हिसाब से। अब आप अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से ज़कात देंगे तो कितनी देंगे? ज़कात बहुत अहम मसला है, एक रुपया भी आप मारेंगे तो फंस गए।
जकात आप मार्च में दे रहे हैं, हर साल मार्च में देते हैं, तो अरबी साल होता है 355 दिन का और अंग्रेजी साल होता है 365 दिन का, 10 दिन बढ़ गए। आप जब अंग्रेजी के हिसाब से साल में एक बार जकात निकालते हैं तो आपकी जकात 2.5% नहीं निकलेगी, आपकी जकात थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब आपकी जकात बनेगी 2.577%, समझ रहे हैं ना? यानी 1,00,000 रुपए में 2,500 देना है आपको अरबी साल के हिसाब से, 2,500 यानी 2,500, लेकिन आप अंग्रेजी हिसाब से जब आप जकात देंगे तो जकात कितनी देंगे, 2,577 रुपए, यानी 77 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन बढ़ गए हैं, उसकी जकात आपको अलग निकालना पड़ेगी। 2.577, कहाँ हैं आप? इस्लाम ने इतना भी हक नहीं मारा है किसी गरीब का, यहाँ तो सबके हक मारे बैठे हैं। जकात पूछो कितने लोगों ने दी होगी, तो अभी देखिए मौलाना रमज़ान में बहुत लोगों को जकात दी है। कितनी दी है? क्या आप अपने माल की पूरी पूरी जकात अदा करते हैं? हिसाब किताब ही नहीं रख पाते होंगे पूरा पूरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक सहाबी ने बकरी दे दी थी, ये लीजिए मेरी 40 बकरियां, एक बकरी जकात में बनती है, ये लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बकरी लेने के बाद कहने लगे, अल्लाह के नबी को भी तुमने एक बकरी दी थी? कहाँ दी थी? आप ही तो आए थे नबी के साथ। कहाँ मैं आया था? उस वक्त भी 40 बकरी थी, आज भी 40 बकरी है, पहले भी मैंने एक बकरी दी थी, आज भी एक बकरी मेरे ऊपर ज़कात बनती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने एक बकरी उनको रस्सी के साथ दी थी, रस्सी समेत बकरी दी थी। और आज आप मुझे बकरी दे रहे हैं, रस्सी आपने अपने पास रख ली। तो सहाबी ने कहा कि रस्सी का आप क्या करेंगे, मैं दूसरी बकरी बांध लूंगा, बकरी तो दे रहा हूं ना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, अल्लाह के रसूल को तुमने रस्सी के साथ बकरी दी थी और मुझे सिर्फ बकरी दे रहे हो, रस्सी नहीं, अल्लाह की कसम अगर रस्सी रोक लोगे, बकरी तो दे रहे हो लेकिन रस्सी अगर रोक लोगे तो मैं तुमसे जिहाद करूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुमसे किताल करूंगा, मैं तुमसे जिहाद करूंगा। गौर करो, बकरी दे रहा है वो सहाबी, सिर्फ रस्सी रोक रहा है, तो अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि मैं तुमसे जिहाद करूंगा, मैं किताल करूंगा। यहां तो रुपया मारे बैठे हैं, गरीबों का पूरा पूरा हक मारे बैठे हैं, लाखों के मालिक है, 1,000 की जकात दे दी, हो गई। आपके पास 1,00,000 रुपया है, 2,500 रुपए जकात बनती है, आपने 2,400 रुपए दे दिए, 2,400 रुपए आपने दे दिए, 2,400, 2,400 रुपए आपने दे दिए, 100 रुपए रोक लिया या नहीं दिया, आपकी 2,400 रुपए की जकात बेकार, आपने गरीबों का हक मारा है। मेरे भाइयों, वो 100 रुपए भी आपसे लिए जाएंगे और गरीब को दिए जाएंगे। इस्लाम गरीब का हक नहीं मारता है। अल्लाह कहता है, मेरे पास मेरा हक मार के आओगे, कयामत के दिन मैं अपना हक माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन किसी गरीब का हक मार के आओगे तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। नमाज में और रोज़े में कुछ कमियाँ हो जाएं तो कयामत के दिन अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन किसी का हक मारा होगा। हमारे इटावा में एक आदमी वज़ू बना रहा था, मैं मस्जिद में वज़ू बना रहा था, तो एक रोज़े की हालत में, तो एक नौजवान था, कुल्ला करते के वक्त वज़ू बनाने के बाद हमसे कहने लगा, मौलाना एक मसला बताओ। मैंने कहा, जी बोलिए। ये वज़ू करते हैं जो कुल्ला करते हैं ना, कुल्ला किया तो ये पानी थोड़ा सा चिपक जाता है ज़बान में, भाई कुल्ला करेंगे ऐसे तो करेंगे तो अब पानी तो ज़बान में थोड़ा सा लग ही जाएगा ना, ऐसे तो कोई नहीं करता है, पानी को थूक रहा हो तो पानी ज़बान में लग जाता है। अगर वो पानी किसी तरीके से हलक के अंदर पहुंच जाए, पानी का कतरा, वुजू बनाते वक्त जो पानी ज़बान पे रह जाता है वो कतरा बन के अगर हलक के नीचे चला जाए तो क्या उससे रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा? मैंने कहा, तुमने मसला बहुत अच्छा पूछा, मैं कल जुमे के खुतबे में इस मसले को बताऊंगा ताकि सबको मालूम हो जाए। कहने लगा, अभी मुझे बता दीजिए। मैंने कहा, यार तुम्हें बताऊंगा तो मैं अकेले मालूम होगा, तुमने बहुत अच्छा मसला पूछा, कल जुमे का खुतबा है, मैं शाही जामा मस्जिद में खुतबा दूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। कहने लगा, ठीक है। अगली सब में बैठा था वो आदमी, मैंने पूरे दिन भर
उसका बायोडाटा तलाश किया कि बड़ा मुत्तकी आदमी है, बड़ा परहेजगार आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, इतनी इतनी सी बात पूछ रहा, तो इसका बायोडाटा देखें कि कौन है क्या है। तो उसका बायोडाटा मिला तो बहुत कुछ मिला। तो मैंने जुमे के खुतबे में ये बात कही कि आज उसका नाम नहीं लिया, मैंने कहा लोग आज हमसे ये मसला पूछते हैं कि वुजू बनाते वक्त अगर वुजू का बचा हुआ पानी जबान पे रह जाए और हलक के जरिए उसका कोई कतरा पेट में चला जाए तो रोजे पे कोई फर्क पड़ता है? पानी के एक कतरे को हलक के जरिए पहुंच जाने पर उनको लगता है कि रोजे पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं? ये मसला वो पूछते हैं जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हैं, अपनी बेटियों का हक मारे बैठे हैं जमीनों जायदाद में। जब उनकी जिंदगियों पर ना अपनी बहन और बेटियों का हक मारने से उनकी जिंदगियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे लोग ये मसला पूछते हैं कि पानी का एक कतरा अगर हलक के नीचे उतर जाए तो रोजे पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कैसे मुत्तकी और परहेजगारी दिखाई दे रही है इस मसले के अंदर। लेकिन नतीजा क्या है? जब अंदर से उनकी जिंदगी देखी तो पता चला कि बाप के मरने के बाद वो बहनों को, यानी बाप की विरासत में से वो अपनी बहनों को हक नहीं दे रहा है और अपनी विरासत में अपनी बेटियों को हक नहीं दे रहा है। जो अपनी बेटियों का और अपनी बहनों का हक मारे बैठा है वो आदमी आज ये सवाल करता है कि पानी का कतरा अगर हलक के नीचे चला जाए तो रोजे पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? तसव्वुर करें आप अपनी बहन को 1 लाख नहीं 1 करोड़ का जहेज दे दो, लेकिन बाप के मरने के बाद बाप की विरासत में भी बहन हिस्सेदार रहेगी और बाप की विरासत में तुम्हें जो हिस्सा मिलेगा तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी विरासत में से भी बहन हिस्सेदार रहेगी, यानी बाप की विरासत में से भी हिस्सा मिलेगा और भाई की विरासत से भी बहन को हिस्सा मिलेगा, और जब बहन की शादी होगी तो शौहर की विरासत में भी बीवी को हिस्सा मिलेगा, और बेटा अगर मर गया तो बेटे की विरासत में भी उसकी माँ का हिस्सा बनेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने, शरीयत ने एक औरत को चारों तरफ से इज्जत दे रखी। ये वो लोग मसला पूछते हैं। इस्लाम ने इतना जबरदस्त इंतजाम कर दिया है हमदर्दी का कि आप बच नहीं सकते, रियायत नहीं, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए कुरान कहता है वह सारिउ इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। दुनिया में आज इंसान सिर्फ कमाने पर लगा है, असबाबे राहत बहुत, जर्जीत साहब ने बहुत कमाया, आज जर्जीत साहब के पास असबाबे राहत बहुत है। आप जर्जी साहब के घर आइए तो आपको देखने को मिलेगा उसके घर में एयर कंडीशन भी है, आज उसके घर में 4 व्हीलर भी है, आज उसका घर भी आलीशान बना हुआ है। असबाबे राहत तो जर्जी साहब के पास बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, जर्जी साहब आप बीमार हैं, आप एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हैं। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा? हम और आप जो कमा रहे हैं, राहत के असबाब इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें गर्मियों में एसी की ठंडी हवा मिल जाए, हमने बहुत कमाया लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हो। असबाब राहत इतने हैं कि चलने के लिए 4 व्हीलर है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है सुबह सवेरे तुम्हें रोजाना पैदल टहलना होगा, अगर पैदल नहीं टहलोगे कुछ दूर 2-3 किलोमीटर रोजाना चहल कदमी नहीं करोगे तो तुम्हारे पैर जाम हो जाएंगे, तुम्हें जरूरी है अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा।
तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई है, रस मलाई रखी हुई है, रसगुल्ला रखा हुआ है, छेना रखा हुआ है, बेहतरीन मिठाई है। जर्जीत साहब ने बहुत कमाया है, असबाब राहत है इसी चीज के लिए तो कमा रहे थे कि अच्छा खाए अच्छा पिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है, तुम्हें शुगर 400 पार हो चुकी है, लिहाजा तुम ये मिठाई नहीं खा सकते हो। गौर कीजिए, जर्जी साहब ने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया कि मेरा बेटा नीट नहीं कर पाया, तो प्राइवेट तरीके से हमने उसको किसी स्कूल में एडमिट किया, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया। 50 लाख रुपए देकर मैंने, 80 लाख रुपए देकर मैंने MBBS में उसका एडमिशन करा दिया। बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अपना कमाएंगे, खाएंगे, अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा असबाब राहत हमने सोच लिया था, बच्चा हमारा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, वो अमेरिका में या लंदन के अंदर डॉक्टरी भी करने लगा, उसने वहीं पर किसी अंग्रेज औरत से शादी भी कर ली। आह, बड़े फख्र से एक साहब कहने लगे, जर्जीत साहब मैंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, आज मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। मैंने कहा वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखता होगा, वो तुम्हारा सर भी दबाता होगा, वो तुम्हारा पैर भी दबाता होगा। कहने लगा, नहीं जर्जीत साहब, 15 साल से मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी, ऐसी दौलत से क्या फायदा, जिस औलाद के लिए तुम कमा रहे हो उस औलाद की शक्ल देखना तुम्हें नसीब नहीं हुआ। बाप ने बेटे की शक्ल नहीं देखी, बेटे ने बाप की शक्ल नहीं देखी। तसव्वुर करो, ये कौन सी असबाब राहत है, ये कौन सा राहत का सामान है। उस जमाने में लोग एक रोटी खाते थे, लेकिन उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने रहती थी, और वो बच्चे भी एक रोटी कमाते थे, लेकिन आधी अपने माँ बाप को खिलाकर अपने माँ बाप की सेवा और खिदमत किया करते थे। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, लोग इसी चक्कर में बख्श दिए गए। तसव्वुर कीजिए, एक वो जो लोग गार में फंस गए थे, उनमें एक आदमी वो था जो ये कह रहा था कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैं बकरियों को चराने वाला हूँ, और जब बकरियों को चरा कर घर ले जाता हूँ तो सबसे पहले बकरियों का दूध दोता हूँ, मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपनी बकरी का दूध पिलाता हूँ, जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध पिलाता हूँ। अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि एक दिन मेरे मैं जब देर से घर पहुंचा, और जब जंगल से जाते जाते मुझे बकरियां ले जाकर देर हुई तो मेरे माँ बाप सो चुके थे, मैंने बकरी का दूध दुहा, उसको गर्म किया और प्याला लेकर अपने बाप के सिरहाने खड़ा हो गया, मेरे बाप सो चुके थे, मैंने अपने माँ बाप को उठाया नहीं कि उठाएंगे तो नींद में डिस्टर्ब होगा, लिहाजा सुबह के वक्त मेरे माँ बाप की आँख खुली, जैसी खुली मैंने दूध का प्याला अपने माँ बाप को दे दिया, मैंने खुद नहीं पिया, पहले अपने बाप को पिलाया, जब मेरे बाप ने पूरा दूध पी लिया फिर मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दूध पिलाया। अय अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया है तो इस गार का मुंह खोल दे ताकि हम निकल जाएं। उस जमाने में लोग अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह से ये कहते थे, अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। आज तो हमें ऐसी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आज असबाब राहत के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, आज हम अपनी औलाद से और औलाद बाप से इतनी दूर हो चुकी है कि बाप बेटे की शक्ल नहीं देख रहा और बेटा बाप की शक्ल नहीं देख पा रहा है। गौर करो, आप ही लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिल्ली और मुंबई काम करने जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया छोड़कर आज सऊदीया, कुवैत और दुबई में काम कर रहे हैं, दो दो साल तीन तीन साल से ना उन्होंने बाप की माँ की शक्ल देखी, ना औलाद ने माँ बाप की शक्ल देखी, ना माँ बाप ने अपनी औलाद की शक्ल देखी। असबाब राहत सामान तो आप बहुत कमाना चाहते हैं, राहत के बहुत सी चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन राहत नसीब नहीं हो रही हमें। ईमानदारी के साथ बताइए, राहत है, या ये कह लीजिए कि इसी चीज़ को हमने राहत समझ लिया है, इसी चीज़ को हमने राहत समझ लिया है। अभी नाज़िम इजलास साहब ऐलान कर रहे थे, हमारे दोस्त जमील अख्तर शफीक तहमी के जर्जीत साहब को जब भी देखता हूँ तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पहले देखा था वैसे अब देख रहा हूँ, हकीकत 20-22 साल से बराबर आना जाना है, अपने आप को मेंटेन भी किया जाता है, उसके पीछे कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं। आज भी जर्जीत साहब के सामने चाहे जितनी चीज़ें रख दो, जर्जीत साहब खाएंगे उतना ही जितना मेरा दिल होगा, ज़बरदस्ती कोई दे के देखे नहीं होगा,
जर्जी साहब कहते हैं लोग मुल्ला मौलवी बहुत खाते हैं, पेट की तौंदे होते हैं, हम ये मना नहीं कर रहे हैं, होते होंगे, लेकिन जर्जी साहब के सामने दही रख दोगे नहीं खाएंगे, क्योंकि रात में जलसा करना गला बैठ जाएगा। जर्जी साहब को आप रूह अफजे का शरबत पिलाएंगे नहीं पिएंगे, क्यों? रात को गला बैठ जाएगा। जर्जी साहब को आप ठंडी बिरयानी खिलाएंगे नहीं खाएंगे, क्यों? तकरीर करना गला बैठ जाएगा। अपने आप को मेंटेन करके रखा है और कभी पेट भर के हमने खाना नहीं खाया। आज तक मैंने अपने पेट के एक हिस्से को थोड़ा सा खाली रख के छोड़ा है। मैं ऐसे मौलवियों को जानता हूँ जो मेरे साथ खाना और बैठना दस्तरखान पर पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये पहले उठ जाएगा, हम लोग फिर मुँह तकते रहेंगे, वो कहते बाद में खाएंगे। ऐसे मौलवियों को मैं आज भी जानता हूँ जो मेरे साथ खाना पसंद नहीं करते हैं दस्तरखान के ऊपर। वो कहते हैं कि ये दो चार लोग में खा के उठ जाएगा, हम लोगों को भी खाने नहीं देगा सही से ऐसे। और मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूँ जो जलसे की शर्त लगाते हैं कि 1 किलो मंगोर मछली भी होना चाहिए साथ में तली हुई, और एक बार नहीं मिली थी तो उसने 2 साल जलसे की डेट नहीं दी थी। वक्त मेहमान की इज्जत करना नहीं जानते। मैं ऐसे मौलवी को भी जानता हूँ, नाम लेना ज़रूरी नहीं है मेरे भाइयों। तो ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं। और हमारी पुरानी तकरीरें अगर आप उठाएं तो उसमें सुन लेंगे, वो 3 पीरों का किस्सा भी है, 3 पीरों का, कि एक औरत बिचारी थी, उसने 3 पीरों की दावत की, वो उनकी बड़ी मुरीद थी, 3 पीरों की दावत की और उसने खिचड़ी पकाई। देखें इन मौलवियों को खिचड़ी पसंद है कि नहीं है। 3 पीरों की दावत की, खिचड़ी पकाई और खिचड़ी में घी डाल दिया बहुत सा, खिचड़ी गर्म थी, घी पिघल गया। एक तो खिचड़ी देख के मौलवियों का पेट भर गया, अब दोबारा जब घी देखा तो उसने सोचा चलो घी तो पड़ा हुआ, कम से कम एक सोचता ये घी मेरे पास आ जाए, दूसरा मौलवी सोचने लगा मेरे पास आ जाए, तीसरा सोचता मेरे पास आ जाए। तो मौलवियों के पास तो बड़े तिकलम हैं। एक मौलवी ने उंगली डाल दी उसमें खिचड़ी में और लाइन बना दी ऐसे, और का मालूम है जन्नत में दूध की नहर कैसे बह रही होगी, तजरी मिन तहति अलनहार, जन्नत में दूध की नहर ऐसे बह रही होगी। अब जब गड्ढा बन गया तो सारा घी बहता हुआ उसके पास चला आया। दूसरे ने कहा जन्नत में दूध की नहर उधर बह रही होगी, शहद की और शराब की नहरें इधर बह रही होंगी। उसने 2 उंगली डाली और काई नानी तजरिया ने मिन तहति अलनहार, दूध की और शराब और शहद की नहर इधर बह रही होगी। अब तीसरे ने सोचा अरे ये भी ले गया, ये भी ले गया, बचा ही क्या, अब मुझे भी मिलना चाहिए। तो उसने ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किया, उसने कहा अरे भाई इतनी जल्दी जन्नत जहन्नम पे आ गए हो, अभी तो कयामत भी नहीं आई। अरे कयामत आएगी, ज़मीन में भूकंप होगा, जलजला होगा, उसके बाद जन्नत और जहन्नम का मामला आएगा। और जब कयामत आएगी तो ज़मीन हिलेगी, जानते हो ज़मीन कैसे हिलेगी? उसने पूरी प्लेट उठाई हो का इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, घी चारों तरफ फैल गया, कहा अब खाओ। और मौलवियों से तो कभी कोई जीत ही नहीं पाया, बेकार आप सर फोड़ते हैं मौलवी को बदनाम करने के लिए। कौआ और कबूतर वाला मेरा किस्सा सुन लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एक शिकारी के जाल में कौआ और कबूतर दोनों फंस गए, कौआ भी रो रहा है कबूतर भी रो रहा है। तो कौवे ने गुस्से में कबूतर से कहा चुप, गुड़िरगु करते करते दिमाग खराब कर दिया। कबूतर बोला कौवे से तू भी तो काँव 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 कर रहा है। तो कौआ बोला मैं तो इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मुझे, कौआ बोला मैं रो रहा हूँ और कबूतर मैं रो रहा हूँ शिकारी हमें काट के ना खा जाए। तो कबूतर बोला अबे तू क्यों रो रहा है, तुझसे ज्यादा परेशान तो हम हैं। अरे मैं तो हलाल हूं, ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काटेगा और खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है, तू क्यों रो रहा है कमीने, तू क्यों काँव 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 करके मुझे परेशान कर रहा है। तो कौआ बोला तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं, तुम्हें तो कटना ही कटना है, तुम्हें तो कन्फर्म है, लेकिन हम तुमसे भी ज्यादा परेशान हैं। कहा क्यों, तुम तो हराम हो। कबूतर ने कहा अरे हराम तो हैं लेकिन ये जाल जिसमें हम फंसे हैं ये किसी जाहिल का नहीं है, जिस जाल में हम फंसे ये मौलवी का जाल है। तो कबूतर ने कहा मौलवी का जाल है तो क्या हुआ,
कबूतर ने कहा, इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे के हमको भी काट के खा जाए, मेरी जान तुमसे भी ज़्यादा अटकी हुई है। मौलवियों से कौवे और कबूतर भी परेशान हैं। इसलिए मौलवी हारता नहीं है, बहुत से रास्ते होते हैं इसके पास, बहुत से रास्ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बनाए हुए रास्तों से बचाए और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे साथियों, असबाबे राहत कम हो लेकिन सुकून हो हमारी ज़िंदगी के अंदर। ऐसी औलाद से क्या फ़ायदा जिसने 15 साल से बेटे की शक्ल नहीं देखी। मुझे अली मियां नदवी ने लखनऊ में एक वाक़या बयान किया था, मेरे भाइयों अल्लाह अली मियां नदवी को जन्नत नसीब फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, बड़ी बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। अली मियां नदवी ने एक वाक़या बयान किया, उनके जलसे में जब इज्तिमा था तो बहुत से लोग दूर दूर से आए हुए थे, औरतें भी आई हुई थी। जलसे को रात के 12 बजे ख़त्म होना था, लेकिन जलसा रात के 12 बजे ख़त्म नहीं होना था, लेकिन एक औरत जो दूर से आई थी बस में बैठकर, उसका दिमाग जलसे में नहीं लग रहा है, वो कई बातें सोच रही है। एक औरत ने उससे पूछा, बहन तुम्हें क्या परेशानी है, तुम किसी मौलाना की तकरीर गौर से नहीं सुन रही हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? उसने कहा नहीं। फिर वो परेशान नज़र आई। थोड़ी देर के बाद 2-4 औरतों ने पूछा, बहन तुम्हें क्या परेशानी है? कहा ये जलसा कब ख़त्म होगा? कहा वो तो 12 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें परेशानी क्या, कोई बुखार है, पेट में दर्द है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ? उसने कहा नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना छोटा सा बच्चा घर पे छोड़ के आई हूँ, अकेला है। तो कहा घर पे कोई नहीं है? कहा नहीं, उसकी दादी है यानी मेरी सास वहाँ सो रही हैं, लेकिन वो आँखों से नाबीना है। कहा कोई बात नहीं, बच्चा तो आपका कितने साल का है? कहा 2 साल का बच्चा है। कहा माशाल्लाह बच्चा बड़ा है, अपने आप पेशाब करने जा सकता, उड़ सकता, उसकी दादी उसको सुला देगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहा मेरी बहन बात दरअसल यह है कि मैं माचिस मैच बॉक्स अपने तकिए के नीचे छोड़ाई हूँ, रात में कभी कभी लाइट चली जाती थी तो मैं चिराग जला लेती थी, इसलिए वो मैच बॉक्स वो माचिस की तीली मैंने तकिए के नीचे रख दी थी माचिस। मुझे डर है कि रात की तारीकी में कहीं बच्चा उठ ना जाए और खेलते हुए कहीं वो माचिस की तीली न जला ले, और जलती हुई वो माचिस का टुकड़ा कहीं बिस्तर पे न गिर जाए और पूरा का पूरा बिस्तर जलने के बाद घर में भी आग न लग जाए और उससे मेरा बच्चा जल कर राख ना हो जाए। उन औरतों ने कहा तुम क्या क्या सोच रही हो, चुप रहो, बच्चा बड़ा है, रात में जब सो जाता है तो फिर अक्सर बच्चे सुबह ही उठते हैं, रात की पहली नींद गहरी नींद में सो रहा होगा, ये बुरे ख्यालात तुम अपने दिमाग से निकालो और चलो तकी शुरू, 12 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा। उस औरत ने कहा कि तुम ठीक ही कह रही हो, और तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, और मैं ऐसा इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मुझे अपने बच्चे का जो जो तजर्बा है वो मैं जानती हूँ, अपने बच्चे के हालात से मैं वाकिफ हूँ, तुम नहीं। बहरहाल जलसा रात के 12 बजे ख़त्म होता है, बसें अपने अपने इलाकों में जाने लगती हैं, वो औरत भी जिस बस में बैठ कर आई थी वो भी जाने लगती है, ड्राइवर से कह रही है कि ज़रा जल्दी चलो। ड्राइवर ने बस थोड़ी सी तेज़ स्पीड में चलाई, लेकिन जब ये औरत घर पहुंचती है इसके दिमाग में जो जो तसव्वुरात थे वो तसव्वुरात वैसे ही कि वैसे जो जो ये सोच रही थी वैसे के वैसे पूरे होते चले गए। ये औरत जब घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि बच्चा रात में आँख खोल चुका है, बच्चे ने माचिस तकिए के नीचे से निकाल भी लिए, बच्चा माचिस जला भी चुका है, माचिस की चलती हुई तीली बिस्तर पे गिर भी चुकी है, उस बिस्तर में आग भी लग चुकी है, और उस बिस्तर पे मेरी सास और वो छोटा सा बच्चा दोनों जलकर राख भी हो चुके हैं और घर भी जलकर राख हो चुका है। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक रात के लिए बिस्तर पर माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा तो जलसे में उसको चैन नहीं मिल रहा है, रात में उसको सुकून नहीं मिल रहा है कि मेरा बेटा कहीं आग ना लगा ले, माचिस से कहीं खिलवाड़ करते करते कहीं माचिस को जला ना ले और उससे अपने आप को जला ना ले। माँ की रात बेकार हो गई, तड़पने लगी, उसके दिमाग में किसी
मौलवी की तकरीर नहीं बैठ रही है, उसका जहन बच्चे की तरफ लगा हुआ है। मेरे साथियों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, कुरान ने कहा है जितना तुम दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करते हो, अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, उससे कहीं ज्यादा तुम अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। तुम्हारा बच्चा दुनिया की आग में कूदे तुम गवारा नहीं करते हो। आज तुम्हारे बच्चे रात के 12 बजे घरों में आ रहे हैं, तुम्हारा कोई एक्शन नहीं है। तुम्हारी बेटी रात के 11, 12 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करती है, व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा तसव्वुर करो, आपकी बेटी एंड्रॉइड मोबाइल क्यों इस्तेमाल करेगी? समझ में नहीं आता उसको क्या जरूरत है व्हाट्सएप चलाने की, फेसबुक चलाने की। अरे घर में एक मोबाइल होना चाहिए जो उसकी माँ के पास होना चाहिए। अगर बेटी को अपनी सहेली से बात करना है तो अपने माँ के मोबाइल से फोन कर ले, उससे बात कर ले। लड़की मोबाइल लेकर घर से बाहर जाएगी, घर से बाहर फिर घर में आएगी। आपने इतनी आजादी क्यों दे रखी है, आपने इतना फ्रीडम क्यों दे रखा है? और जब ये दिन आपने दिखाए हैं, जब ये दिन आपने दिखाए हैं अपनी बेटियों को, तो आजकल फिर वो दिन भी देखो, आजकल वही दिन भी देखो, फिर वही दिन देखने को मिलेंगे जो हैदराबाद की सरजमीन पर हुआ है। एक हिंदू लड़के के साथ एक मुसलमान लड़की का शादी करना और उस लड़की के भाई का गुस्से में आकर उस हिंदू लड़के का मर्डर कर देना, कत्ल कर देना, और फिर उस लड़की का उसी लड़के के घर में चला जाना और ये कहना कि मैं हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक इसके घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। ये दिन आपको देखना पड़ेंगे, इसलिए देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी बेटियों को व्हाट्सएप चलाने की खुली इजाजत दे रखी है, हमने अपनी बेटियों को कॉन्वेंट स्कूलों में लड़कों के साथ बैठ के पढ़ाया है, को एजुकेशन हमने दी है। अब ये दिन तो देखना ही पड़ेंगे। और आरएसएस के वो सरगना जो नागपुर की सरजमीन पर बैठे हुए हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों कॉलेजों में वैकेंसी दो, इनको नौकरियां दो और इनको स्कूलों में जगह दो, ताकि हमारे गैर मुस्लिम हिंदू लड़के ज्यादा से ज्यादा इनसे प्यार करें और प्यार का नाटक करने के बाद इनको अपने चंगुल में फंसाएं, शादी करें, कोर्ट मैरिज करें, दो चार बच्चे पैदा करने के बाद इसको किसी तवायफ खाने के हवाले कर दें। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आज मेरे भाइयों चकले खानों पर इसलिए बैठी हुई हैं कि एक दो बच्चे पैदा हो जाने के बाद उनको छोड़ दिया गया है, उसको नजरअंदाज कर दिया गया है, उसको लाते मार के उसके घर से भी भगाया गया है, फिर वो हिंदू समाज के मंदिर में गई, वहां से भी उसको निकाला गया है, और आखिरकार वो अपने घर आ नहीं सकती है क्योंकि उसके बाप ने कह दिया कि जीते जी तू अपना चेहरा हमको नहीं दिखा सकती है। आखिरकार उसने चकले खाने में बैठ के अपनी जिंदगी को गुजारना और अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया है। मेरे भाइयों, ये दास्तानें मिलेंगी और हमें ये दिन देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी लड़कियों के हाथों में मोबाइल दिया है। इससे ज्यादा जहरीला उंसुर, इससे ज्यादा जहरीला खंजर कोई नहीं है जो हमारी बहन हमारी बेटियों के लिए सब में कातिल है। ये वो जहर है जो पानी पीने का भी मौका नहीं देता है, ये वो जहर है, अगर इसकी लत लग गई तो आप लाख कोशिश कीजिए, आपके जानकारी में नहीं होगा और आपकी बेटी बाजार से मोबाइल भी खरीद लेगी, आधा पैसा खुद लगाएगी, आधा उसका बॉयफ्रेंड देगा। आपके रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है, रिचार्ज तो आप उस लड़की का बॉयफ्रेंड डलवाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी गर्मियां गई, सर्दियों के दिन आने वाले हैं, हमारे घरों की बहन बेटियां लिहाफ के अंदर मुंह ढके होंगी, हम सोच रहे होंगे ये सो रही हैं, लेकिन वो लिहाफ के अंदर व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही होंगी, रात रात भर उनकी चैटिंग हो रही होगी, उनकी बातचीत चल रही होगी। ये दिन अब हमें देखना पड़ेंगे क्योंकि इन हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं और इस नतीजे पर हमने खुद अपनी बहन बेटियों को पहुँचाया है, हमें ये दिन खुद देखना पड़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम का तसव्वुर ये है
कि हमें ये सबका मजहब है, सबका धर्म है, और इसको प्यार मोहब्बत सिखाता है और इसको घर घर पहुंचाना चाहिए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने झारखंड और बिहार में प्रोग्राम देना बंद कर दिया है, और उसकी मेन वजह यह है कि मेरी ताकत नहीं है कि मैं रात के 1 बजे टाइम दिया जाए और 3 बजे तक मैं बोलूं। लिहाजा हमारे पास जो लोग भी प्रोग्राम लेने के लिए आए हैं वो ये सोच कर आएँ कि हम बिहार और झारखंड में कोई प्रोग्राम नहीं देंगे, क्योंकि अब हमारी एज वो नहीं रही है और हमारी आदत वो नहीं रही है कि हम आपके कहने के मुताबिक 1 बजे बोलें, 12 बजे बोलें और 2 बजे तक बोलें, 3 बजे तक बोलें। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लिहाजा आपके लिए जो भी आए और जो भी 1 बजे टाइम लेता हो आप उसको बुला सकते हैं। दुनिया में बहुत से मौलाना पड़े हुए हैं, आप उनको बुलाइए, तकरीर कराइए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, हमें इस्लाम हमारी ज़िंदगियों में बसा दे और हमें इस्लाम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।